साइबर सिटी गुरुग्राम इन दिनों कूड़ा सिटी बनी हुई है, जहां पूरे शहर भर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम एक ऐसा शहर जो दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन अब गुड़गांव की दूसरी नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि गुरुग्राम अब मिलेनियम सिटी नहीं बल्कि कूड़ा सिटी बनती जा रही है। जी हाँ, गुरुग्राम में लगातार कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं और इन कूड़े के ढेरों से लगातार आ रही बदबू से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हर इलाके में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनमें गुरुग्राम के बसई रोड सेक्टर 9 कॉलेज के पास कूड़े का अंबार लग चुका है। शिक्षा के मंदिर के पास ही जब इस तरह कूड़े का ढेर लगेगा तो शहर के दूसरे इलाकों में सफाई की कैसे उम्मीद की जा सकती है। ऐसा ही हाल सेक्टर 9 पावर हाउस में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि आज शहर की जो हालत है बहुत ही दयनीय हालत है। एक नरकीय जीवन बरसात के महीने में लोग जी रहे हैं। हर 100 मीटर के ऊपर एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारे कॉलोनी या सेक्टर्स एरिया हैं, वहाँ पर भी जो इको ग्रीन की गाड़ियाँ रेगुलर कूड़ा उठाती थी, वो भी वहाँ से कूड़ा नहीं उठा रही हैं। हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाओ, कॉलोनी के बाहर, सेक्टर के बाहर, हर कोने पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज शहर एक नरक के ढेर में तब्दील हो चुका है, कूड़े का ढेर चारों तरफ है, और जिसके लिए इको ग्रीन को बहुत मोटा पैसा भी दिया जा रहा है रेगुलर। देखो जी, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। अभी तो भाई नवीन गोयल जी की अध्यक्षता में हमने सेक्टर 37 में कूड़े की जो बड़ी स्टेशन बनाया हुआ था सेक्टर 37 में कंपनी के पास, उसको साफ करवाया, धरना प्रदर्शन दिया, आंदोलन किया, और यही हाल हमारे वार्ड में है। सेक्टर 9 में आप देख लो, कॉलेज के पास पूरी दीवार जो बसई से लेके और सेक्टर भवानी के लिए से सेक्टर 9 कॉलेज की जो पूरी दीवार है, वहाँ पर कम से कम 150 टन कूड़ा बना पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये गुरुग्राम ना होकर कूड़ा ग्राम बन चुका है। हर जगह आप किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है और साथ ही साथ कई बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। आजकल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां भी फैली हुई हैं। मच्छरों का हर जगह आप देख सकते हैं कि ढेर बन चुका है और लोग बड़े परेशान हैं। इसमें जो है सरकार की लापरवाही तो है ही है, साथ में प्रशासन की भी लापरवाही है। उधर देवीलाल कॉलोनी के बाहर भी लगातार कूड़े के ढेर और दूर दूर तक कूड़ा फैला हुआ है, और ये कूड़ा एक दिन का नहीं, ये कूड़ा महीनों का है। स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो कई बार इलाके में फैले कूड़े के ढेर की शिकायत निगम अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन निगम अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। कूड़े ना उठने की वजह से यहाँ बीमारियाँ हो रही है। पीछे देखो, इतना गंदा, बच्चे लेकर स्कूल नहीं जा सकते हमारे, हम नहीं निकल सकते, बदुआ इतनी फैल रही है, बीमारी का है, आँखों का वैसे चल रहा है, बुखार का आ जाएगा, कहाँ जाएंगे? गंद इतना इकट्ठा हो रहा है, आप देखेंगे ना, वो दिखाते हैं हम, वहाँ देख के आओ कि कितना गंद इकट्ठा हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गुरुग्राम नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार अन्य कारणों से भी ऐसे हालात गुरुग्राम में हो चुके हैं। निगम की ओर से गुरुग्राम में सफाई का टेंडर इको ग्रीन को दे रखा है, और यही कारण है कि अब इको ग्रीन और नगर निगम का आपसी विवाद जहां लोगों के लिए आफत बना हुआ है, तो वहीं अब यह कूड़ा शहर की छवि को भी कूड़े में मिलाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर गुरुग्राम की पहचान मिलेनियम सिटी से कूड़ा सिटी के तौर पर होने लगेगी। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।